गुड मॉर्निंग गाइस, देख रहे हो सामने जस्ट धूप आई, कितना मजा आता है ना। ये देखो सीधे आंखों में लग रही धूप, सुबह उठते जैसे धूप आती वैसे आंख खुल जाती है। तो चलो उठते हैं, फ्रेश होते हैं फिर। आज तो बहुत सारे काम है गाइस, चलो सबसे पहले उठ जाते हैं। हाँ ऐसी धूप ना बहुत, मतलब जब कहीं और जाता हूँ ना ऐसी धूप मिलती नहीं है मुझे, कि जैसे ही सुबह उठो तो धूप सीधे दरवाजे खुलते या विंडो खुले रखो तो सीधे आंखों में आए करके। चलो उठ जाते हैं सबसे पहले। आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखिए मस्त वाली धूप आ चुकी है अभी, और वहाँ सामने दिख रहा है मेरे को कोहरा। ये देखो कितना तो कोहरा लगा है वहाँ भी, अच्छे से धूप भी नहीं आई है। गाइस हम हो चुके हैं रेडी, और हम कहाँ जा रहे हैं वैसे तो थंबनेल में देख के आपको पता ही चल गया होगा, बट फिर भी अभी घर से मैं निकलता हूँ, बाकी लोग को भी कॉल करनी है रेडी करने में भी। अमां देखती है हमारे ब्लॉग, अमां नींबू खतरनाक हो रहे हैं आपके यहाँ। हम जिनके हैं ना उनको पता है अच्छे से, वो हमारे ब्लॉग देखते हैं ना तो उनको वो देख लेंगे। अब ये शायद गिरने वाले हो रहे हैं, ख़राबी हो रहे हैं ना क्या इसलिए। तो चलो गाइस यहाँ से भी निकलते हैं, बाकी उन लोग को भी रेडी करते हैं, रेडी करते हैं, रेडी हुए होंगे वो वैसे तो। अब यहाँ से निकलते हैं, अभी हम पहले प्रोग्राम था हमारा बाइक में जाने का, तो फिर हमने कैंसिल किया क्योंकि लोग हम 3-4 लोग हो जा रहे थे, हमने कहा बाइक पर नहीं जाते भाई, ठंडा भी होगा और ऊपर से टाइम से आ जाएगा नहीं आ जाएगा कुछ पता नहीं है, इससे अच्छा गाड़ी में चलते हैं। तो हमने गाड़ी में जा रहे हैं अब हम लोग, ठंडा तो इतना हो रहा है ना, लिमिट से ज़्यादा ठंडा हो रहा है, और शाम और सुबह का ठंडा ज़्यादा लग जाता है ना, उससे खांसी बुखार जुकाम बहुत हो जा रहा है, इससे अच्छा तो गाड़ी में ही चलते हैं। अब लग रेडी नहीं रखा अभी, आ जा जल्दी आ। एक सोलर लाइट यहाँ पे जरूरत थी, यहाँ पे भी लगा दी है। ये तो रेडियो रखा है। ओ भाई ओए, ये तो बता ये उजाला कितना कर रही है, सही है बाकी पुरानी जैसी है ना, पुरानी वाली जैसी है ना, पुरानी कौन सी पुरानी मतलब जो सबसे पहले लगी थी उतना ही उजाला कर रही है ना। ठीक है ये देखो हमारे खेत तो बढ़िया लग रहे हैं ना, एकदम मस्त वाले। ये देखो खेतों में कितनी हरियाली है, सब हरा भरा होने लग गया ना ऊपर से नीचे तक सारे खेतों में। गाड़िया भी आने लग गई, अब दो चली गई हैं, एक ही आई, एक और आएगी पीछे से, और एक तो अभी आएगी नहीं, उसको हम लेके जा रहे हैं ना इसलिए। ये देखो एकदम मस्त तरीके से उड़ार मार रहे हैं ना ये भैंस, उड़ार ही कहते हैं ना इसे जो बार बार चबाते हैं ये। अब लगा चुके, अब लग से मैंने मजाक की ना डायरेक्ट इसने गाड़ी वाले को फोन कर दिया, इतना हरामी है ये, कुछ कहना ही नहीं है इसका। और एक और आ रहा है शायद, पता नहीं वो क्या कर रहा है, बात करते हैं। ये देखो कितना मस्त लग रहा है ना कहता हूँ, ये ड्रोन शॉट होता है ना, बट कुछ टाइम बाद मैं आपको ड्रोन शॉट भी दिखाऊंगा यहाँ का, एकदम मस्त वाला लोकेशन दिखाऊंगा, तगड़ा वाला। गाइज ये लोग सब आ चुके हैं, हम हो चुके हैं रेडी, और आज गाड़ी चलाएंगे हम। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, एक अब लग वो आगे आ रहे हैं तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। एक अब लग आगे आ गया, वो आया हमारे साथ लेकिन शॉट मार लिया ना उसने, रोडी रोड आया, हम शॉट मारे, हमने शॉट किया वो रोडी रोड आया। आ जाओ अब लग दुनिया देखो, अब हम यहाँ जाएंगे कच्ची वाली रोड पे। अब पहुंचेंगे हम कच्ची वाली रोड पे। हम कच्ची वाली रोड पे सही बात है, तुम लोग कुछ टेंशन है। कच्ची रोड पार करके हम लोग आ चुके हैं पक्की रोड पे, और ये यहाँ पे एक ढाबा, ये देखो यहाँ पे ढाबा, और यहाँ से ही अंदर को एक रोड गई है, स्वामी अवधेशानंद पब्लिक स्कूल भी है यहाँ पे, 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। हम जाएंगे सीधे रीठा की रोड में, और ये स्कूल रहा पब्लिक स्कूल रहा इस वाली रोड में, ये PMGSY वाली रोड है, और हम यहाँ से निकलते सीधे रीठा वाली रोड पे। देखो मुर्गा वाड़ा भी बना रखा है यहाँ पे, सब कुछ बना रखा है, देखो इन्हीं का इधर का। अच्छा अच्छा बाज हाथ से बचाने के लिए जाली, अच्छा फिर बाज ना खबर नहीं भाई, वो ना उड़ा नहीं भाई। अच्छा ये कद मुर्गे रख रखे तुम्हारे स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में रखे मतलब 500 मुर्गो, 500 15-20 बच्चे। अच्छा दवाई कितनी, ओहो
कुकु मार के दें ची कुकु मार के ची कुकु मार के इधर उनको सब मर जाओ ना तो साथ नहीं ले रहे हैं अभी कोई जलता ना कोई काम कर रहा है तुम्हें वही तो जल में ना इस वजह से और एक लोगों से पकड़ा चीनी सी क्या कुकरों की खतरनाक चीज है भाई बराज पकड़ चीनी सी का मुखो इतना दबर कर दिया मारे देख रहे हैं उनमें तो कुकर कोई रेसो करने वाला ना भाजन ना था कुकर सामने ना बाकरो वाल बाकरो जानवर वाल तो करने में आदमी ना करियो आदमी से साथ दे गाइज अभी हम लोग डाल रहे हैं तेल तो थोड़ा कम है ना तेल इसलिए यहाँ से रीट है अपना 23 किलोमीटर शॉर्टकट है ना अपने यहाँ से इसलिए पार्टी से होते हुए जाते तो हम बहुत लंबा पड़ जाता करीब करीब 35-45 किलोमीटर समथिंग पड़ता हम आए शॉर्टकट से तो रोड थोड़ी कच्ची है लेकिन ठीक है बहुत शॉर्ट पड़ जाता है हमें ये देखो गाइज यहाँ से डाल रहे हैं हम पेट्रोल गाइज हमारे ला चुके हैं ए ये वो ला डेयरी मिल्क ला ये क्या ला रहे हैं ये नहीं चलेगी बिल्कुल नहीं चलेगी डेयरी मिल्क है हाँ डेयरी मिल्क है वहाँ है वहाँ वो डेयरी मिल्क दे दो वो दिख रही है मुझे ये नहीं खाते भैया लो फिर अंकल जी नहीं ये भी नहीं है नहीं ये भी नहीं है नहीं है नहीं है कोई है नहीं हाँ डेयरी मिल्क इसको खा लिया नहीं इसको मैं नहीं खा रहा इसको क्या खा रहा है कुछ और ले लेंगे ये गुड़पट्टी जेसीबी खुदाई करने के लिए कितनी ऊपर गई है देख रहे हो खुदाई कर रही है जैसी भी खुदाई देखो ये लधुंधरा का मंदिर यहाँ से जा सकते हो आप यहाँ से एक यहाँ से रास्ता एक दूसरा भी है और ये और जचम मंदिर जो आपने वीडियो देखी होगी वो और ये मामा भांजे हैं यहाँ से अब यहाँ भी उसी दिन जागरण होता है जिस दिन वहाँ पे होता है रात्रि जागरण पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा अच्छे से और हम लोग अभी निकलते हैं यहाँ पे मैंने मंदिर देखा ना ऐसे ही तो हमने कहा रुकते हैं एक बार आप लोग को भी दिखाते हैं ऊपर गया तो नहीं हुआ अभी तक में लेकिन जाना है किसी न किसी दिन ये देखो यहाँ से मंदिर जय हो भोलेनाथ ये देखो वहाँ से आगे आने के बाद ना मैंने बोला था ना दो गेट है एक ये वाला भी गॉड है राजा जी एक ये वाला भी गेट है लधुंधरा शिव मंदिर प्रवेश द्वार क्या है चौड़ा प्रवेश द्वार खरे 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 चौड़ा खरे चौड़ा करके गेट है यहाँ पे गई यहाँ से दिख नहीं पा रहा है नीचे खराई गांव है वहाँ पे भी एक मंदिर है तो पिछले व्लॉग में हमने आपको दिखा रखा है वैसे जो डेली व्लॉग देखता है ना उसी को पता होगा नीचे मंदिर है एक और यहाँ पे बाबा जी भी रहते हैं और हम लोग अभी रास्ते पे जो है हम लोग हैं तो अभी और हम लोग अभी रास्ते में ये वाला मोड़ ही आपको याद होगा क्योंकि इस बैंड पे बहुत सारे लोग रुकते हैं बहुत सारे लोग फोटो लेते हैं इस मोड़ पे कुछ ऐसा इंजन होता है हमने खाली ऐसे बोनेट खोल दिया ना इसका तो मैंने कहा इंजन दिखा देता हूँ तीन सिलेंडर इंजन है 1 2 3 4 सिलेंडर भी होता है लेकिन ये 3 सिलेंडर इंजन है ये देखो ये रोड गई खरा है को और हम जा रहे हैं सीधे रीठा साहिब को अब आएंगे हम यहाँ पहुँच जाएंगे हम भिंगराड़ा और यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन बहुत ही अच्छा मेला लगता है नीचे से डोला आता है ना उस टाइम पे बहुत मजा आता है और लड़ाई भी बहुत होती है गाइस यहाँ हल्का सा ब्रेक मार के और क्या कहते हैं मैंने ये देखो ये पहुँच चुके हम भिंगराड़ा और ये है मेन मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर एडी महाराज बाल कृष्ण मेला होता है यहाँ पे भगवान कृष्ण का मेला होता है यहाँ पे जन्माष्टमी के दिन हो सके तो अगर हमें कहीं से वीडियो मिलेगी तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ के बारे में जब मेला होगा ना वो वाला दिखाएंगे हम आपको अच्छे से एकदम मस्त तरीके से तो चलो गाइज अभी यहाँ से हम चलते हैं सीधे रीठा साहिब को गुरुद्वारा दिखाते हैं सबसे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं बट अब दिखाते हैं गुरुद्वारा देखो ट्रैक्टर जा रहे हैं ना वहीं को तो ये आ रहे हैं तो मेरे को बोल रहे थोड़ा आगे मिलना मैंने बोला ठीक है ट्रैक्टर कभी चलाया नहीं मैंने मन करता है चलाने को वो लोग दे रहे हैं मेडिकल स्टोर से बोले रहे ना दवाई तो मैंने कहा तुम चलो आगे भगवान एड़ी देवता और गाइज एक चीज़ दिखाऊँ ये देखो टॉफी 5 रुपये की है पता है बेचने वाले तो ठीक हो गया उनको बेचते हैं लेने वाले बेवकूफ होते हैं ना हमने ले रखा है इसका मतलब ये देखो हम हुए ना बेवकूफ़ जो ले रहे हैं
चॉकलेट थी ना नहीं अच्छी वाली, वो बेकार सी कंपनी थी, मुझे ले खाने ही में मजा नहीं आया, इसलिए मैंने टॉफी ले ली 5 रुपए की, वो भी मैं दिखाऊँ आपको भिंगराड़ा। देखो वो रहा कौन सा स्कूल, प्राइमरी या उच्चतर माध्यमिक कुछ इस तरीके का लग रहा है मुझे, और वहाँ है GIC सामने वाला, और क्या कहाँ गया, हाँ भिंगराड़ा 1 रेंज वाली बिल्डिंग है, इसके नीचे भी हैं 1 रेंज वाली बिल्डिंग है, ये कुछ ऐसा रहा है भिंगराड़ा, यहाँ पे होता है बालकृष्ण मेला जन्माष्टमी के दिन। गाइज अब वो मुझे छोड़ के ना बहुत आगे चले गए, कहाँ रुक गए ये समझ नहीं आ पा रहा मेरे, अच्छी जगह रुकेंगे ये, सामने बड्डी की मड्डी है दारू की दुकान, ऐसी जगह रुकेंगे ये मिल ले, देख रहा क्या ले रहा है भाई ये, क्या ये क्या ये, ऐसी चीजें लेगा, ऐसी चीजें लेगा, ऐसी चीजें। तुम्हें कौन है प्रमोद? राहुल को दिक्कत होगी, राहुल को होगी दिक्कत, राहुल को होगी पेचिस, मेरी एक गाड़ी चलाने में उसके अंदर भी दौड़ उसके आदर पितौड़ हिल जा रहे हैं, देखो उसके भी इसके भी ये अबलग के भी इस अबलग के ये वाले बावड़ी गैंड हो गया, ये उत्पुटांग गाड़ी चलाता हुआ यार है तो अबलग ही रहा, तू क्या बताया जाए, बस चली वाला है गाइस, देख रहे हो गाली कर रहे हैं, इसने तो गैर पी रखी है, इसको इससे कुछ कहना ही नहीं है गाइस, जो गाली कर रहे हैं देख रहे हो गाइस, यहाँ से रीठा साहिब का थाना स्टार्ट हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं रीठा साहिब को, यहाँ नीचे घाटी में है ना वो लदिया घाटी नाम ही है उसका, लदिया नदी होगी घाटी घाटी हुई, और मौसम देख रहे हो कितना मस्त हो रहा है ना, मजा आ गया। एक्चुअली मैं ऐसा ब्रेक ले रहा है ना, ये इतना भयंकर तरीके से छुरा छुरा बिल्कुल आगे चले जा रहे हैं, हम बिल्कुल डिस्बैलेंस हो जा रहे हैं वो बहुत, एक्चुअली ना ऐसा हो गया अजेल हो गया उसके लिए तो अजेल, उसका अजेल पेट हो गया है खराब ना एक्चुअली इस अबलग का हो गया पेट खराब ना थोड़ा, शालिग्राम है 250 ग्राम का भोगा वो अभी 125 ग्राम बतावा गए, ये है ये पहुंचे गाइज हम रीठा साहिब में, ये बच्चे ना ऐसे कैसे बच्चों को कैसे छोड़ जाते हैं, पैदा करना आसान होता है बच्चों को पालना मुश्किल हो जाता है, हम लोग जा रहे हैं अभी नीचे रीठा साहिब को मतलब गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, अभी मार्केट में थे हम लोग, अभी मार्केट में थे, अब हम नीचे गुरुद्वारा को जा रहे हैं, लेकिन ये चढ़ाई ये रोड ना भयंकर की रोड है, एकदम खड़ी चढ़ाई है और डाउन भी एकदम डाउन है, जाते वक्त आते वक्त चढ़ाई है, खेत है आज हम गुरुद्वारा में, संजय भाई का मत आज टेक के आएंगे वो ये रहा, रुक जाओ रुक जाओ, ये रहा अच्छा खासा गुरुद्वारा, देख रहे हो ना आप लोग, देख सकते हो देख क्या सकते हो, हम आपको दिखाते ही हैं, देखो जूम करके मस्त तरीके से दिखाते हैं, खेतों में देखो कितना हरा भरा मजा आ रहा है ना, अभी हम ये ब्रिज के पास भी जाते हैं ना, वहां से अच्छे से आपको लोकेशन दिखाते हैं, अकेले ना पराठा ढूंढ रखा है मैंने ना निकले, इसको इसी में नहलाते हैं। एक्चुअली गाइज हम पहुंच चुके हैं रीठा साहिब गुरुद्वारा में, ये देखो गाइज ये रहा इसका स्टार्टिंग गेट, हम यहाँ से जाएंगे रीठा साहिब गुरुद्वारा में, और ये मीठा रीठा होता है, यही पेड़ है मीठा रीठे, मीठे रीठे का, चलो अब हम चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं सबसे पहले, और ये लंगर वाला है अंदर खा मिलता है यहाँ खाना, ये देखो गुरुद्वारा रीठा साहिब, गई जी क्या लिखा हुआ है मेरे तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो चलो हम लोग पहले अंदर दर्शन करते हैं फिर उसके बाद खोल जा, खोल जा, ये देखो
रेढ़ा साहिब गुरुद्वारा लोधिया इमरतिया नदियों के संगम स्थित है। इसको 1960 में बनाया गया था और यह द्यूरी गांव के पास स्थित है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के द्वारा भी इस स्थान का दौरा किया गया था। उन्होंने गोरखपंथी योगियों के साथ यहाँ पर अनेक आध्यात्मिक चर्चाएं की। गुरु नानक देव ने यहाँ पर उगे हुए रीठे के पेड़ से रीठा फल भी तोड़ा था। यह पेड़ अभी भी गुरुद्वारे के परिसर में है। दिव्य स्पर्श से कड़वा साबुन का फल भी मीठा हो गया, इसी कारण यह स्थान रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है। ये देखो पंजाबी में लिखा है, ये तो समझ में नहीं आ रही है, इसको आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हो। और ये लोग खुल रहे हैं जूत चप्पल। एक्चुअली इतना ठंडा पानी हुआ है ना, ये बहुत ठंडा पानी हुआ है। और ये देखो आय हाय चारों तरफ ये देखो मस्त लग रहे हैं। अंदर जो है नंगे सिर नहीं जा सकते हम, इसलिए सभी ने जो है सर पे कुछ न कुछ रख लिया है। यहाँ पे हैं वैसे वही रखे हमने, सर पे रख लिया सभी ने। ये देखो गाइस हमने ले लिया प्रसाद, ये लोग भी ले रहे हैं और हमने अभी दर्शन भी कर लिए हैं। फिलहाल आप लोग भी देख सकते हो बहुत प्यारा और मीठा प्रसाद है। ये देखो गाइस अंदर हमने कर लिया दर्शन और ये रहा गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। और यहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर के बगल में दोस्त का घर भी है, पता नहीं वो यहाँ है नहीं है। जैसे ही वाला घर है मनोज भाई का, ये रहा मनोज भाई का घर और वो अभी यहाँ है नहीं ना, इसलिए नहीं तो कॉल किया जाता उन्हें। ये रहा गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। अब यहाँ का ड्रोन शॉट मुझे मिले, एक ड्रोन शॉट दिखाता हूँ अच्छा सा। ये धर्मशाला है यहाँ की, और ये गार्डन वगैरह फवारा तो अभी ऑन नहीं है, नहीं तो वो भी ऑन रहते वैसे। और उसके बाद देखो आपको एक मस्त सा जादू, ये देखो जादू खेतों में देखो कई मस्त प्यारा सा लग रहा है ना, पूरा ग्रीन ग्रीन एकदम। गेहूँ वगैरह बहुत अच्छे हो रहे हैं अभी यहाँ पे ना, तो उस वजह से पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है एकदम। एक सेकेंड ये देखो एकदम मस्त पूरा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। ये देखो ये मजा आ गया कई एकदम, पूरी प्लेन्स वाली फीलिंग आ गई, जैसे किसान लोग प्लेन्स में करते हैं ना खेती, उस तरह की फीलिंग आती है यहाँ पे आके। वैसे तो हम लोग आते हैं नहीं, मतलब हमारे पहाड़ वैसे ऊंचे नीचे सीढ़ीदार खेत होते हैं ना, लेकिन जहाँ नदियों के किनारे आसपास वाली जगह पे प्लेन होता है तो वहाँ पे ऐसे प्लेन्स वाली फीलिंग आती है, क्योंकि खेती वैसे होते हैं एकदम प्लेन फील्ड के जैसे बड़े बड़े खेत होते हैं, तभी इनमें ट्रैक्टर में जाते हैं, पहाड़ में वो वाले खेत हो नहीं पाते ना इसलिए। तो चलो गाइस अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं पुल के पास और ब्रिज के पास जाते हैं, फिर ब्रिज से कुछ फोटोज लेते हैं, कुछ वीडियोज बनाते हैं आप लोग के लिए, ब्लॉग बनाते हैं, फिर उसका मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे आपसे। ये देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है ना, सामने धूप भी बहुत अच्छी वाली धूप आई है ना इसलिए। ये रहा गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब। रीठा साहिब कैसे नाम पड़ा यहाँ का वो मैंने बता ही दिया आपको। गाइस हम लोग खा लेते हैं थोड़ा सा खाना, ये तो खाने में पहले से खा रहे हैं हाँ, और हम लोग थोड़ा सा खाना खा लेते हैं। बाकी लोग आ रहे नहीं आ रहे पता नहीं, नहीं आ रहे मतलब। चलो गाइस पहले हम लोग प्रसाद ले लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। गाइस यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया सही ज़मीन रिलेटेड, तो हम लोग पहले खाना पीना खा लिया हम लोगों ने। और ये देखो गुरुद्वारा रीठा साहिब कई अच्छे से दिख रहे हैं ना मस्त तरीके से। तो चलो गाइज यहाँ थोड़ा इन लोग का अपना आपसी कुछ मैटर होगा, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधे और अब हम जाते हैं सीधे ब्रिज के पास। ब्रिज के पास थोड़ी सी फोटोग्राफ लेते हैं, कुछ वीडियो शॉट लेते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं हम घर की तरफ।
ये है मीठे रीठे का पेड़। और हम लोग यहाँ से निकलते हैं सीधे ब्रिज की तरफ। ओए गाड़ी अपने मर्जी, यहाँ पे शॉर्ट रास्ता है भाई, गाड़ी कहाँ ले जाएगा वहाँ है। हाँ उसे ले आ, देख रहे हो गाड़ी, गई पुलिस की गाड़ी और महिंद्रा की नए लोगों के साथ, ट्विन लोगों के साथ। और हम लोग अभी यहाँ से निकलते हैं, पहले सबसे पहले जाते हैं ब्रिज के पास, कुछ फोटोग्राफ लेते हैं वहाँ पे और कुछ वीडियो शॉट लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। ये देखो खेतों में इस उस साइड और अच्छे खेत है, वहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, अभी वहीं चलते हैं सबसे पहले। जय हो भगवान। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, वो देखो ये वाला घर सबसे पुराना घर है, ये देख रहे हो बहुत पुराना घर है। और क्योंकि इसमें डिजाइन देखो ना, डिजाइन भी वैसी है पुराने घर की जैसी। ये दो मंजिला है वाली, और ये तो नया है, लेकिन ये वाला बहुत पुराना है, देख रहे हो पत्थर वालों का दो मंजिला घर है वो। तो चलो हम लोग चलते हैं सीधे, पहले आलू देखो कितने बढ़िया हो रहे हैं ना। हम लोग ब्रिज के पास जाते हैं सबसे पहले, ये देखो वो बन रहे हैं ना इनका, लकड़ी देखो कौन सी लकड़ी होगी, ये पहचान सकते हो आप, साल की लकड़ी है ये, ब्राउन भूसा है ना इसका, ये वो देखो ब्राउन वाली लकड़ी है ना, इसलिए हमको आगे जाने दो गाइज, हमें आगे जाने दो गाइज, ये तो तुम्हारी पीठ दिख जाएगी गाइज। आप देखो कितना मस्त लग रहा है ना खेतों के बीच में, मजा आ गया ना। फिर ये देखो फोटो भी बड़ी मस्त आ रही है, सामने से धूप आ रही है ना, और बैकग्राउंड में एक ग्रीन कलर का जो खेतों में गेहूं हो रखे ना, इसका बड़ा मस्त मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है वैसे। सही बताओ ये देखो मस्त तरीके से, ये देखो कितना मजा आ रहा है ना देखने में भी, चारों तरफ हरा भरा एकदम, इसके बीचों बीच में घर होता ना, आए हाय मजा तो उसी में है। ये सामने है ब्रिज और इसका देखो कंस्ट्रक्शन, यहाँ से जो है पूरा लोड ले रखा है पूरी वॉल ने, वायर देख रहे हो वायर कितने तो मोटे मोटे वायर है भाई, इतने भारी हो रहे हैं ना, एक वायर मुड़ना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, ये तो भी इतना ज़्यादा मोटा वायर है देख रहा हूँ, इसी ने तो लोड ले रखा है पूरा। और तेरी ये क्या था वो, और ये देखो ये खेतों की सुरक्षा के लिए ना वॉल बना रखी है, इस वॉल में जो है कई करोड़ रुपए लग गए हुए हैं देख रहे हो। हाँ ब्रिज, ये रहा ब्रिज, ये बन रहा है यहाँ पे वॉल, कुछ बन रहा होगा मतलब हिल रहा है फिर, ये रहा वॉल। आजकल तो नीचे ट्रैक्टर गाड़ियाँ सब जा रही रहते के उससे कुछ काम भी होगा नहीं इन लोगों, इसलिए। और यहाँ पे एक बंदा आया, मतलब कहाँ का था एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैंने सुना हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। वो क्या हुआ ना, यहाँ पे वो आया ऐसे ही नहा रहा था, तो नहाने के उससे यहाँ पे वहाँ पे भवर टाइप का है, तो वहाँ पे वो उसकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। और मछली दिखाऊँ आपको, मछली दिखाऊँ आपको, यहीं पे दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो मछलियाँ दिख रहे होंगे आपको, मछलियाँ मस्त तरीके वाली, ये देखो तैर रही हैं मछलियाँ। आप सोच रहे हो कट्टे हैं, कट्टे नहीं है भाई, असली में मछलियाँ हैं वो, ये देखो मछलियाँ हैं, मछलियाँ सारी की सारी, ये देखो मस्त धूप से निकले आई हैं। आजकल ये तालाब ना लग नहीं रहा करके गहरा है, लेकिन गहरा बहुत है। हाँ आजकल रेत रेत भर गई होगी ना, उस वजह से नहीं लग रहा होगा, लेकिन है बहुत गहरा ही। ये देखो यहाँ कहीं डूबा था वो बेचारा, भंवर टाइप का आता है ना, तो बवंडर टाइप का, वो उसने शायद खींच लिया वो यहाँ को। अब यहाँ वैसे मना करते हैं लोग कि यहाँ मत नहाना करके, फिर भी लोग कहाँ मानते हैं, है ना, कहाँ मानते हैं लोग ऐसे में, तो वो लोग जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है।
इससे अच्छा भैया ऐसे में ना आप लोग आओ तो मत नहाना मेरे उससे, तो अब फिर अपने रिस्क पे आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो चलो गाइज, ये वैसे भी ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो बोर हो जाते हैं कोई भी, तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए हमारे चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।